खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। रंगों के त्योहार होली में अभी 7 दिन बचे हैं, लेकिन इससे पहले ही राजस्थान भाजपा की सियासत में रंग चढ़ने लगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए 4 मार्च का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल इस दिन वसुंधरा राजे खेमे ने आस्था के बड़े केंद्र सालासर में ताकत दिखाने का फैसला किया, तो दूसरी तरफ प्रदेश भाजपा संगठन ने युवा मोर्चा के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। ऐसे में एक ही दिन 32 बड़े कार्यक्रमों से भाजपा का कार्यकर्ता और नेता आने वाले चुनाव के मद्देनजर असमंजस और पशुपेश की स्थिति में है। पेश है रिपोर्ट। होली से पहले जहां त्योहार का खुमार सिर चढ़कर बोलने लगा है, तो बीजेपी की सियासत भी सियासी रंगों से सराबोर नजर आ रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जहां कार्यकर्ताओं का उत्साह 2 गुना देखने को मिल रहा है और नई उम्मीदें हिलोरे लेने लगी है, तो इस त्योहार से पहले 1 तारीख को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं में असमंजस और पशुपेश की स्थिति भी नजर आ रही है। और ऐसे में बीजेपी की सियासत में रंग बिरंगा गुलाल कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। दरअसल वसुंधरा राजे का जन्मदिन 8 मार्च को आता है, लेकिन होली और धुलंडी के मद्देनजर हर बार की तरह वसुंधरा राजे गुट ने इस बार 4 मार्च को देव दर्शन कार्यक्रम का ऐलान किया और इस कार्यक्रम के लिए बीकानेर संभाग का प्रसिद्ध तीर्थ सालासर धाम तय किया गया। ऐसे में वसुंधरा राजे कैंप के नेता अशोक परनामी, राजपाल सिंह शेखावत, कालीचरण सराव, प्रताप सिंह सिंघवी, यूनुस खान, प्रहलाद गुंजल समेत अन्य प्रमुख नेता जन्मदिन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जन्मदिन की तैयारियों के मद्देनजर हर जिले में वसुंधरा राजे समर्थक नेताओं की तरफ से बैठकों का सिलसिला जारी है। राजे के जन्मदिन के मौके पर आयोजित इस शक्ति प्रदर्शन या कहें कि भंडारा प्रसादी कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। इस शक्ति प्रदर्शन को सियासी मायने में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चुनावी साल के मद्देनजर जिस जिले में इस बार वसुंधरा राजे अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, उसी जिले चूरू से उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ विधायक है। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मूल रूप से चूरू से हैं। वहीं वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ के सियासी रिश्ते बीजेपी संगठन में किसी से छिपे हुए नहीं है। ऐसे में चूरू में देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि जन्मदिन में कितने सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और बीजेपी के पदाधिकारी या पूर्व पदाधिकारी मौजूद रहते हैं और खासतौर पर चूरू के कौन नेता, विधायक या पदाधिकारी जन्मदिन के मौके पर अपनी हाजिरी लगाते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि इसी 4 मार्च की तारीख को बीजेपी युवा मोर्चा ने भी अपने विधानसभा घेराव की तारीख को फाइनल कर दिया। शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने युवा मोर्चा की प्रदेश स्तर की बैठक में 4 मार्च की तारीख को फाइनल किया। इसमें राज्य सरकार के खिलाफ पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलन की तैयारियों पर चर्चा की गई। युवा मोर्चा के इस आंदोलन में अन्य मोर्चा की मौजूदगी के भी संकेत हैं, तो दूसरी तरफ विधानसभा से विधायकों को भी इस आंदोलन में बुलाए जाने के संकेत हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे कैंप से अलग दूसरे कैंप ने भी साफ कर दिया कि ये उनका निजी कार्यक्रम है और युवा मोर्चा की तरफ से विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम संगठन का कार्यक्रम है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि युवा मोर्चा के इस प्रदर्शन में हर बार की तरह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की खास मौजूदगी रहेगी, तो दूसरी तरफ उनके साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और अन्य पदाधिकारियों समेत कई विधायकों की भी मौजूदगी रहने वाली है। 1 ही तारीख को आयोजित होने वाले इन दोनों कार्यक्रमों पर बीजेपी नहीं कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों की भी पैनी नजर है, क्योंकि जो बीजेपी कांग्रेस पर गुटबाजी और अंदरूनी कलह को लेकर लगातार प्रहार करती रही, वही बीजेपी इस बार कांग्रेस की तरफ से गुटबाजी और अंदरूनी सियासी घमासान जैसे आरोपों को भी झेलने वाली है। ऐसे में अब देखना होगा कि 4 मार्च से पहले बीजेपी आलाकमान इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर संगठन को क्या कुछ इशारा करता है या फिर दोनों कार्यक्रम बदस्तूर 1 ही तारीख को स्टैंड करेंगे। राजनीति शह और मात का खेल है। कांग्रेस और भाजपा, भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को शह और मात का खेल करते हुए दिखाई दे जाते हैं, लेकिन सियासी पार्टियों में अंदरूनी शह और मात के खेल भी लगातार चलते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर अंदरूनी घमासान, बाहरी घमासान, खेमेबाजी, गुटबंदी के आरोप लगाती रहती थी, वहीं अब कांग्रेस भी 4 मार्च के इस कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर अंदरूनी नहीं बाहरी घमासान के आरोप लगाने वाली है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी समेत
कांग्रेस और अन्य पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और सियासत में रुचि रखने वाले लोगों की निगाह 4 मार्च के इन दो कार्यक्रमों पर रहेगी कि सालासर में ज्यादा भीड़ जुटती है या फिर विधानसभा घेराव में युवा मोर्चा के प्रदर्शन में, जिसमें कि सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और अन्य नेता रहने वाले हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।